हेलो जी, नमस्कार किशन भाइयों, मैं वेस्ट बंगाल शायन नर्सरी बोल रहा है। जैसे आपको दिखा रहा है, ये वीएनआर का बगीचा, जो वीएनआर का पेड़ है, इसमें मैं कैसे ये प्लांट बनाते हैं ये देख लीजिए। अब देख सकते हैं, ये जो आपको बांध रहा है, ये आपको वीएनआर का गुटी कलम, इसका नाम इसका बोलती है गुटी कलम। जैसे देखो, जो पॉलीथिन के अंदर एक मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर आपको जाड़ आएगा, लगभग आपको 2 महीने के अंदर जाड़ आ जाएगा। तो ये जाड़ आने के बाद में कटिंग करके थैली में बैठाता है, तो ये ठेले में बैठाता है। इसका पहले बैठने का पहले मैं इसमें जितना पत्ते रहेगा ये डाली में, तो ये पत्ते मैं काटिंग कर देता, तो काटिंग करने के बाद इसमें ठेले में बैठा देता। तो ठेले में बैठा देने का बाद आपको लगभग 2 महीने के अंदर इसमें से नया ब्रांच आ जाएगा। तो नया ब्रांच आने के बाद मैं क्या है, ये गोबर सार वगैरह देके और बड़ा करने का, जैसे 1.5 फीट का अंदर हो जाएगा। 1.5 फीट का अंदर होने के बाद मैं बेचते हैं। लगभग इसका प्लांट का उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने हो जाएगा। आपको ये अभी जो देखा रहे है, ये देखिए, जो इसमें से एक पत्ते के गुड़े से ब्रांच निकल रहा है, तो इसमें आगे में काट देता है, काटिंग कर देता, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये आगे में काट देता है, काटिंग करते हैं। उसमें से देखिए, इतना छोटा स्टिक में अभी फ्लावर आ गया, और मैं ये सामने वाला जो आपको जो ब्रांच दिखा रहे है, इसमें आगा जो दिखा रहा है, ये मैं काटिंग कर देता तो ज़्यादा ब्रांच आ जाएगा, तब आपको फ्लावर भी ज़्यादा आएगा, उसमें आपको फ्रूट भी ज़्यादा आएगा। अभी देखो, ये नया ब्रांच है, हाँ, अब देख सकते हैं ये जो गुटी कलम बना रहा है, देख सकते हैं, ये देखो फ्रूट देखो। अभी ये तूफान का वजह से ऐसा हो गया, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, इसलिए ये ख़राब हो गया, ये अमरूद फ्रूट ख़राब हो गया। अब देख सकते हैं, देखो इतना छोटा पेड़ में कितने गोड़े में आपको फ्लावर भी है, अब देख सकते हैं। देखिए, ये लगभग आपको 6 इंची से 1 फीट के अंदर एक स्टिक है, स्टिक से आपको अभी फ्लावर है, देख लीजिए, मैं काटिंग करता है, ये जो काटिंग करके दे दिया, तो आपको ये पत्ते गोड़े से एक आँख है, ये आँख से आपको नया ब्रांच निकल जाएगा। तब नया, ये देखिए देखिए जी, आपको नया ब्रांच आ जाएगा, उसके बाद भी आपको फ्लावर भी और फ्रूट भी ज़्यादा हो जाएगा, फ्लावर भी ज़्यादा आएगा, देख सकते हैं आप। सब मैं गुटी कलम बना रहे हैं, अब देख सकते हैं। देखिए, मैं सब गुटी कलम कर रहे हैं। अगर किसी को प्लांट चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, प्लांट में आपको दे सकते हैं। देखिए कैसे गुटी कलम बना रहे हैं, देख लीजिए खुद ही, आप देख सकते हैं। आप इसमें आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको जाड़ आ जाएगा। जाड़ आने के बाद मैं कटिंग करके मैं ठेली में बैठाता है, तो आपको लगभग 5-6 महीने के अंदर आपको और प्लांट रेडी हो जाएगा। अब देख सकते हैं, देखो एक स्टिक में कितना ब्रांच है, ये मैं कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें ये साइड में जितना ब्रांच है, ये जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा।
और बढ़ने के बाद आपको ज़्यादा आपको फ्रूट आ जाएगा। अब देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा स्टिक है। देख लीजिए, ये जो है आपको मिट्टी है, ये मिट्टी आपके अभी लगा के रखा है और एक एक करके ये पॉलीथिन जड़ा रहा है, जड़ा के ये बांध रहा है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए कैसे मैं गुटी बनाते हैं। इसमें से एक ए स्टिक में पहले आपको ऐसा कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद भी मिट्टी लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको ये पॉलीथिन में जड़ाते हैं, जड़ा के बांध देता तो अच्छी तरह हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, अगर वीडियो से अच्छा लग जाएगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।